तो आज फाइनली 11:58 पर आ चुका है जवान का ट्रेलर, यानी जवान ने हमें फिर एक बार बेवकूफ बनाया, क्योंकि पहले जो जवान का प्रीव्यू आया था वो था टीजर, और आज आया है इसका फाइनल ट्रेलर। सो वेल, ट्रेलर को जब हम लोगों ने देखा तो एक बात तो यहां पर समझ में आ गई कि जवान मूवी के अंदर शाहरुख खान जो है वो एक बाप और बेटे दोनों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर नोट किया होगा, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को उठाकर पटकती हैं ट्रेलर के अंदर। एक्चुअली आप ये समझो कि यहां पर दीपिका और शाहरुख एक्चुअली बाप और माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यंग शाहरुख खान का, जो आगे जाके नयनतारा से प्यार करता है। आपने इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात और नोट करी होगी, शाहरुख खान जिसकी मूंछ है वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बोलता है कि जवान देश के लिए झुकता है, यानी वहां पर वो वाला शाहरुख खान आई थिंक फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और मूवी में वो गाना आपने देखा होगा जिंदा बंदा हो, उसमें शाहरुख खान पुलिस की यूनिफॉर्म में, यानी बेटा यहां पर पुलिस ऑफिसर है। और यहां पर विजय सेतुपति का एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव विलन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि एक वेपन डीलर है। यानी कि आप देखो, विजय सेतुपति के भी इसके अंदर दो कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक यंग विजय सेतुपति जो कि जेल के अंदर बंद है, और दूसरा बुजुर्ग विजय सेतुपति जिसकी सफेद सफेद दाढ़ी है और अब वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया है, जिसका नाम है काले। तो बेसिकली कुल मिलाकर ये बाप और बेटे की कहानी है, और यहां पर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट तब आएगा जब यहां पर बेटा बाप का बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन बेटे को बचाने के लिए ही बाप वापस आएगा। तो बहुत ही ज्यादा शानदार ये मूवी होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो 6 लड़कियां हैं वो किस तरीके से शाहरुख खान की मदद करती है, कैसे नयनतारा ही शाहरुख खान के अपोजिट उसे पकड़ने की कोशिश करती है, और क्या मैसेज देंगे शाहरुख खान आखिरी में विजय सेतुपति को हराने के बाद, ये मूवी की जान होने वाली है। वेल, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है वो कमाल का लग रहा है, प्योर हॉलीवुड गूज बम्स यहाँ पर मुझे आ रहे हैं, हॉलीवुड वाइब मुझे आ रही है, एंड वो भी देसी स्टाइल में। तो भाई साहब, ये मूवी जैसे ही पहले दिन आएगी ना, आप लिखवा लो, पठान का रिकॉर्ड डेफिनेटली टूटने वाला, और ये मूवी 57 करोड़ से ज्यादा का ही बिजनेस करने वाली है। वेल, टिकट्स बुक करें या नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।